नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। पार्ट वन वीडियो में आपने देखा था बोरिंग किस प्रकार से होती है और कितने फीट गहराई में जाती है और कितना खर्च आता है। अब पार्ट टू लेके आया हूँ आप सभी के सामने। पार्ट टू में हम आपको दिखाएंगे समर कितने इंच पर आती है और किस समर क्या रेट आती है और किस कंपनी की समर लगानी चाहिए, कितने हॉर्स पावर होनी चाहिए और कितने हॉर्स पावर कितने एरिया को कवर करता है। पूरी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा बिना लाइट के समर को चला के दिखाऊंगा। और जो भी हमारे किसान बच्चों खेती करते हैं, ट्यूबवेल चलाना चाहते हैं और लाइट नहीं है, काफ़ी दिन से लाइट नहीं आ रही है, तो उन किसानों के लिए ये अल्टरनेटिव बहुत ही वरदान साबित हुआ है। आप देख सकते हैं और मैं से अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगा और ट्यूबवेल को समर को चला के भी दिखाऊंगा। तो आप जो भी नए किसान मित्र वीडियो देख रहे हैं तो हमारे किसान भाई यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यूँ देखें और जो भी आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए चलिए भाइयों, जैसे कि हमारे यहाँ मिस्त्री साहब आए हैं और फिटिंग कर रहे हैं समर की, तो वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि कितने हॉर्स पावर मोटर कितने एरिया कवर करती है और कितना एकड़ खेत में कितना हॉर्स पावर मोटर लगाना चाहिए। चलिए चलते हैं, बात करते हैं। हाँ मिस्त्री साहब, ये कितने हॉर्स पावर मोटर है? साढ़े बारह की एस बी की। और इसकी गारंटी क्या होती है? गारंटी होती है इसकी एक साल की गारंटी होती है। तो ये कितना एरिया कवर कर सकती है अगर लाइट अच्छी मिलने पर? हाँ, तो कम से कम ये एक दिन में कर लेगी, कम से कम 24 घंटे में कर लेगी 15-16 बीघा कवर। 15-16 बीघा जैसा अल्टरनेटर से हम लोग चला रहे हैं तो एक एवरेज क्या आएगा इसका ट्रैक्टर का? अल्टरनेटर से चलाने पर कम से कम 3 लीटर का एवरेज आएगा। 3 लीटर अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी आप बाग देख रहे हैं, अभी इसमें कोई लगा नहीं है लेकिन इसमें खेती होगी। तो किसान मित्र हमारे जो इसमें इंजन से प्लेबैक कर रहे थे, जो एक एवरेज आ रहा था वो 12-14 लीटर के लगभग आ रहा था पर बीघा, और जो औसत भैया ने बताया 3.25 लीटर, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 3.25 लीटर घंटा। हाँ घंटे, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए हमारे किसान मित्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो KSB कंपनी की ही मोटर लगाए। इसकी क्या है वारंटी गारंटी काफ़ी बढ़िया है और इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, लॉन्ग लाइफ है। और पैनल भी आप देख रहे हैं L&T कंपनी का पैनल है और इस पैनल को हम लगाए थे अपने खेत पर तो काफ़ी कोई कंप्लेंट नहीं आई। लगभग 10 साल हो गई है, हम 10 साल से ऐसे लगाए थे, इसलिए L&T का हम दूसरा भी लेके आए हैं। आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग करके रखा है। अनबॉक्सिंग देखिए आप किस तरीके से करते हैं और इसकी जो कीमत है मार्केट में 10-11 हज़ार रुपए के बीच में है और इसमें अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। मैं एक लगभग 2008 में मैंने लगवाया था अपने दूसरे वाले फार्म पे, तो अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं आई और बढ़िया तरीके सिंपल तरीके से कोई भी ऑपरेट कर सकता है। इसे अनबॉक्सिंग कर रहे हैं भैया, देख सकते हैं बहुत अच्छी सर्विस है इसकी और सर्विस भी भाई बता रहे हैं बहुत अच्छी है। देख लिया आप, थोड़े हमारे किसान मित्रों को बताइए इसका थोड़ा कैसा क्या है, फेस कौन से होते हैं और जैसे लाइट वाले तार लगेंगे जी, जी वाली प्लेट पे जी, और इस पे मोटर के तार लगेंगे जी, स्टार डेल्टा पैनल है ये जी, अच्छा ठीक है। और इसमें मतलब वो दिक्कत नहीं है कि मतलब ऑल वाले स्टार्टर होते हैं उनमें क्या बोलता है कि मतलब कनेक्शन चेंज करने पड़ते हैं, कन्वर्ट करने पड़ते हैं, इसमें यूँ नहीं करना है। अच्छा अच्छा, सीधे सीधे तार लगा दो, पीला लाल। ये आप जब देख रहे हैं ये टिप करती है, इसका मतलब क्या होता है? टिप करने मतलब ऐसे मोटर 15 की है अपनी, तो इसको 17 पे लगा दो, रिले को सेट कर दो कि मतलब कम वोल्टेज आ रहा है या कोई दिक्कत है तो ये मतलब बंद कर देगा ऑटोमेटिक मतलब, और ये ऑटो पे लग जाता है साइड से। अच्छा अच्छा, इधर लगा दिया आप उन्होंने और लाइट चली भी गई और दोबारा लाइट आई तो ऑटोमेटिक मोटर ऑन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, और दो फेस आ रहा है तो मोटर चालू नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ ये बाईपास है यानी मोटर फूकने का कोई कोई चांस ही नहीं है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया है L&T, इसलिए काफ़ी बढ़िया कंपनी मानी जाती है समर की, तो उसमें L&T का पैनल। और किसान मित्रों जैसे कि भैया ने आपको दिखाया, अनबॉक्सिंग भी करके दिखाया और पैनल के बारे में जानकारी भी दी और समर किस प्रकार से लगाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो को देखते रहिए आप लोग। किसान भाइयों पाइप को डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं,
और जो इसकी समर थी पाइप के नीचे पहले लगा दिया जाता है, फिर समर डाल दी जाती है, फिर पाइप डालते रहे हैं। जो पाइप डाल रहे हैं लगभग 70 फीट 80 फीट के गहराई में डाल रहे हैं और बालू ही बालू आ रही है अभी, यानी बालू संकेत देती है कि यहाँ पानी है, आप देख सकते हैं। और भी कोई अगर जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द आपका जवाब दूंगा। बॉक्स आप देख रहे हैं, ये अल्टरनेटर है और इसी से समर को चलाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं अल्टरनेटर के माध्यम से समर को चला रहे हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा किस प्रकार से अनबॉक्सिंग किया है और अल्टरनेटर भी आप देख सकते हैं लगा हुआ है अभी, और समर हमारी चालू हो रही है, ट्रैक्टर से चला रहा है समर, आप देख सकते हैं। आप समर हमारी चालू है, आप देख सकते हैं लगभग इसमें अभी दो दिन से ये बराबर कंटिन्यू चल रहा है, तो दो दिन में इसने लगभग 20 से 25 बीघे के लगभग भर दिया है खेत। किसान भाइयों, जो हमारी समर है 12.5 इंच की है और जो बोरिंग है हमारी वो 9 इंची है, इसमें 4 इंची समर है और जो पाइप हमारे आप देख सकते हैं पाइप 110 का है और 90 के भी लगे हैं कुछ, तो 110 में तो प्रेशर फुल भर के आता है, 90 में कट हो जाता है, आप देख सकते हैं। और जो इसका प्रेशर है काफ़ी बढ़िया तरीके से है और ये लगभग 120 चिड़ियाँ आसानी से चला सकता है, इतना प्रेशर है। जो भी हमारे किसान मित्र सोयाबीन और मटर की खेती करते हैं और चिड़ियाँ अगर चलाना चाहते हैं तो आपकी 12.5 HP मोटर लगभग 120 के लगभग चिड़ियाँ चला देगी आराम से। प्रेशर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर है इसमें। देख सकते हैं लगभग 18 से 20 बल्कि 25 बीघे के लगभग हमारा खेत अभी भर चुका है इसमें। जो आप खेत देख रहे हैं ये 60 बीघे के लगभग है और दो दिन में लगभग 18 से 25 बीघे के बीच में भर चुका है खेत। प्रेशर आप देख सकते हैं और जो भी हमारे किसान में अगर बोरिंग करवा रहे हैं तो मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि 9 इंची बोरिंग करवाएं। अगर आपका खेत बड़ा है 9 इंची बोरिंग बढ़िया रहती है और उसमें जो समर आप डालेंगे लगभग 4 इंची समर उसमें डालें और 12.5 HP की मोटर लगाएं
12.5 HP मोटर आप अल्टीनेटर से भी चला सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इसका जो ट्रैक्टर का एवरेज निकल के आ रहा है लगभग 4 से 5 लीटर पर घंटे एक एवरेज निकाला है हम लोगों ने, तो काफ़ी बढ़िया एवरेज है। जो जब मैं इंजन से पानी लगा रहा था तो उसका जो एवरेज निकल के आया था 10 से 12 लीटर का निकल के आया था एक घंटे में, तो आप देख सकते हैं। और जो भी हमारे किसान मित्र नए आए हुए हैं वो हमारे किसान भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली जो भी हमारी वीडियो उसकी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।